सुबह से आए कोई नहीं है, ये व्यवस्था है। आप कहाँ से हैं? कठुआ मोड़ से। कठुआ मोड़ से अभी खड़ी हैं, कितना समय हो गया आपको? 2 घंटा हो गया सर। 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। और भी बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? नंदगंज। नंदगंज से हैं, देखिए ये भी खड़ी हैं। क्या दिक्कत है चाची? खड़ी हैं सीतापुर से। आपके क्या दिक्कत बा? सिर में दर्द बा। सिर में दर्द बा, इनके सिर में दर्द बा, इनके सिर में दर्द बा। भैया आप कहाँ? जमानिया से। जमानिया, क्या दिक्कत है, क्या खड़े हैं? ये COVID-19 के लिए भेज। COVID-19 लग रहा है, कुंभ का मेला लगा है, कुंभ का मेला लगा है। ऐसा नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पे, कुंभ का मेला लगा है आप देख रहे हैं। ये कुंभ से भी बड़ा महाकुंभ है। अब थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं, आइए बाहर आते हैं। यही हाल है गाजीपुर का, गाजीपुर ज़िले का। कोई भी डॉक्टर न दारत है, समय है 10 बजे से, न चिकित्सा अधिकारी है, न ही डॉक्टर है। प्लास्टर जो प्लास्टर जो प्लास्टर करते हैं वो कह रहे हैं भैया 10 बजे सबका समय है, कोई नहीं आया। बच्चे इतनी कड़ी धूप में खड़े हैं, महिलाएं भी खड़ी हैं। देखिए भैया हैं यहाँ पे धूप में। भैया कहाँ से हैं आप? नंदगंज से हैं। नंदगंज से, ये तो पास के हैं, फिर भी अच्छी है, क्या दिक्कत है? अरे बहुत बहुत समय लग रहा है कराने में, समय लग रहा है कराने में। जानता सब है, जानते सब है, मुख दर्शक सभी बने हुए हैं। ये सोचने का विषय है, प्रशासन ऊपर बैठे व्यक्ति। सुशील तिवारी, मैं गाजीपुर से, चैनल से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों इस समय मैं जिला अस्पताल गाजीपुर में स्थित हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय बहुत सारे लोग बहुत समय से आए हैं और किसी भी यूट्यूबर के द्वारा पहली बार मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? आप रेवतीपुर से। रेवतीपुर से आए हैं? रेवतीपुर से क्या यहाँ पे क्या किस लिए आए आप? जी चर्म रोग है दिखाने के लिए, डॉक्टर साहब आए हैं अभी, अब तक लाए नहीं, 9:30 बजे का बैठे हुए हैं। चर्म रोग जी? तो अच्छा अच्छा, कहाँ पे आपको दिखाना है? यहाँ पर दिखाना है डॉक्टर साहब, भास्कर डॉक्टर साहब। भास्कर डॉक्टर साहब, तो अच्छा चाचा जी कितना समय हो गया आपको? अब 9:30 बजे से जोड़े 9:30 बजे से आए हैं और अब तक कोई नहीं है? कोई नहीं है। और कोई है आपके साथ में? जी फैमिली, लड़के बच्चे लेकर आए। अच्छा अच्छा, कोई वहाँ? देखिए आप देख रहे हैं बहुत बड़ी लापरवाही। आप कहाँ से आए हैं? बराट से। बराट से, क्या दिक्कत है आपको? सर चर्म रोग में दिखाना है चमड़ी का। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं आए? नहीं। देखिए डॉक्टर साहब नहीं आए, आप यही देख रहे हैं, बहुत बड़ी दुविधा। और सच में ये सोचने वाली बात है, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं ये बहुत सारी विडम्बना है और ये सोचने की ज़रूरत है। और इसीलिए जिला अस्पताल गाजीपुर का ये हाल है और बहुत सारे बच्चे भी आए हैं जो कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट निकल चुका है और निकलने के साथ साथ बच्चे यहाँ पे आए हैं, खड़े हैं मेडिकल के लिए भी खड़े हैं। सुबह से कोई 50 किलोमीटर की दूरी से आया, कोई 100 किलोमीटर की दूरी से, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे साझा करना चाहूँगा। मैडम आप कहाँ से आएँ? हम लोग मोहम्मदाबाद से आए हैं। मोहम्मदाबाद से? थोड़ा सा मास्क मोहम्मदाबाद, क्या क्या दिक्कत है? स्किन वाला डॉक्टर साहब को दिखाना है। स्किन वाले डॉक्टर साहब को दिखाना है? अच्छा 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 अच्छा, क्या कितने बजे से आए हैं आप? हम तो 9 बजे का आए हैं। 9 बजे से? 9 बजे से आई हैं आप, देख करिए 9 बजे से आई हैं। यही सारी व्यवस्थाएं हैं और सच में इसके लिए मैं योगी जी PM पोर्टल CM पोर्टल पर मैं इसको तुरंत देने वाला हूँ। और यही देख रहे बहुत सारी व्यवस्थाएँ। आप क्या दिक्कत है मैडम? हम आए हैं उनकी क्रीमोला डॉक्टर से दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब बैठवे नहीं कि कह रहे हैं कि इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में गए तो इमरजेंसी में नहीं, नीचे हैं तो नीचे नहीं, कह रहे हैं सब मैडम जो नर्स हैं कि आज आईबे नहीं। चाची जी कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बलिया से। बलिया से, देखिए बलिया से आई, गाजीपुर से, कई ज़िलों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वरन ये सारी बात नहीं है कि लोग गाजीपुर से ही आ रहे हैं, रेवतीपुर से लोग आए हैं, गामर से आए हैं, बलिया से आए हैं। और मैं और भी डॉक्टर हैं, मैं यहीं पे बैठा हूँ। डॉक्टर जब आएंगे मैं उनसे रिपोर्ट लूँगा, जिला चिकित्सा अधिकारी के पास मुझे जाना है, इसके साथ साथ मैं जिला अधिकारी तक जाऊँगा। ये मेरी मुहिम है, ये मेरी मुहिम है। और मैं सच में जो आज के समय में भ्रष्ट अधिकारियों के बहुत सारे लोग हैं, मैं और भी अपने कैमरे के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। चाचा जी कहाँ से हैं आप? हम नहीं बता। अच्छा, ये नहीं बता सकते हैं। और आगे चलते हैं,
देख रहे हैं, मैं तुरंत इसको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इस समय बहुत सारी विडंबना है और बहुत समय से, इससे पहले भी मैंने दिखाया था और मैं तुरंत इसके बाद जिलाधिकारी के पास जाने वाला हूँ। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, समय का कोई मानक नहीं है। आगे आप देख सकते हैं बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक भैया है, उनसे बात कर। भैया किस लिए आए आप? किस लिए आए हैं? सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा, मेडिकल शिक्षा भर्ती वाला आप लोग का हो गया? चलो बेस्ट आप लोग। तो क्या हुआ, हो गया आपका? नहीं, अभी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आप। इंतजार, देखिए ये भी इंतजार कर रहे हैं, ये भी इंतजार कर। भैया कहाँ से आए आप? जी गाजीपुर के। गाजीपुर से आए हैं। यही चीज़ें हैं, मैंने जिससे पूछ रहा हूँ लोग वेट कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं भैया? गाजीपुर से कहाँ से? पुलिस लाइन से। ये तो पास की हैं। क्या काम था आप? क्या सर काम क्या था आपको? मेडिकल बनवाना है। मेडिकल शिक्षा भर्ती वाला। हाँ। शिक्षक भर्ती की इन्होंने पास कर लिया, इसके लिए मेरे चैनल से इनको हार्दिक शुभकामनाएं। और भी देख रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं? गाजीपुर से भैया, यही पुलिस लाइन से। शिक्षक भर्ती? हाँ, शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती को इन्होंने सबने सफल कर लिया है और मेरे चैनल से इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी देख रहे हैं, आगे चलते हैं। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यहाँ पे देख रहे हैं। मैं आज पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, यहाँ पे डॉक्टर उपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित है। रुक दूरी के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर नारायण पांडे MD मेडिसिन जनरल फिजिशियन है ये, और मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ सुशील तिवारी अपने चैनल से। यहाँ पे शायद ये आए हैं मेरे जो भी भाई हैं कैमरा, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये उपस्थित है, यहाँ पे ये आए हैं। लोगों की भीड़ है, जो आगे लोग थे बलिया और आजमगढ़ से आए हैं, वहाँ पे लोग नदारत हैं, मगर ये यही विडंबना है, यही भीड़ है। और इसको कोई सोचने वाला नहीं है, लोग कितनी परेशानी से कैसे आते हैं। मैंने 10-12 लोगों से मैंने बाइट ली और यही मैं जानने का प्रयास कर रहा था, और भी मैं जानना चाहूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो मैं अब आ चुका हूँ डॉक्टर मेजर तपीश कुमार, आर्थो सर्जन कक्ष है, चिकित्सा अधिकारी कक्ष। इस समय 12:15 का समय है, आप देख रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी विडंबना है। कोई बलिया से आया है, कोई बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। कब ले आई हैं? ये देखिए चाचा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कब ले आई हैं साहब। कहाँ से चाचा जी आए आप? हम तो दुल्लापुर से आए हैं भैया। दुल्लापुर से? इतनी दूर से आए हैं, देखिए दुल्लापुर से आए हैं। चाचा कब से आए हैं लालबनी आप? अरे यार, एक घंटा हो गया लाइन लगाने में, पर्ची लेने में लेट हुआ। यहाँ आए तो साहब नहीं है। साहब नहीं है, पर्ची लेने में लेट हुआ और कोई नहीं है साहब की करें। साहब नहीं आए मतलब कि यहाँ पे, और भी यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए वेंटिलेटर पे हैं मगर कोई नहीं है। और भी जो भी, मैं पूरे अस्पताल के को आपको दिखा रहा हूँ आज, जो भी डॉक्टर हैं, जो भी इनका देखिए। मास्टर कक्ष, चिकित्सा अधिकारी कक्ष, वहाँ पे आपने डॉक्टर मेजर तपीश कुमार जी थे। और यहाँ पे देखिए ये प्लास्टर कक्ष है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लास्टर कक्ष है। यहाँ पे देख रहे हैं लोग। और बताइए कैसे हैं? ठीक है सर, ठीक है। और भी देख रहे हैं डॉक्टर, पैनल कोई है नहीं, कोई 10 बजे आया है, कोई 12 बजे तक नहीं आया है। मरीज़ से हम लोग पूछ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भैया हम बलिया से आए हैं। तो क्या सबका समय एक ही है कि नहीं? सबका समय एक ही है। तो आज लोग परेशान हैं बच्चों को लेकर ना। बच्चों को लेकर सही। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? रामानंद जी। तो आप यहाँ पे प्लास्टर वगैरह जो है उसमें आप दादाजी? मरीज हैं, हम आए हैं चोचकपुर से आए हैं। इतना बड़ा जिला अस्पताल जिसको माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे प्रमोट कर दिया, बहुत सारे डॉक्टरों को आपने देख लिया। अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड एक्सरे कक्ष है जी, अल्ट्रासाउंड एक्सरे कक्ष है। और जिस भी लोग से मैंने पूछा, लोग यही कह रहे हैं कि भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ डॉक्टर साहब ने। और भी बड़े मेरे बड़े लोग हैं उनसे आप। भैया किस काम से आए हैं? शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक भर्ती में हो गया आपका? जी। शिक्षक भर्ती में ये सफल हो गए, मेरे चैनल से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आप किस लिए आए हैं? उसी लिए आए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। और भी मैं देखिए इतनी भीड़ है प्रशासन मुक्त दर्शक। ये मेरे भाई साहब हैं। हाँ भाई क्या हुआ? कह रहे हैं आगे और भी भीड़ है, कोविड वाले में जाइए, बहुत काफी आगे और भी भीड़ है। कोई प्रशासन का कोई रूल नहीं है। इससे पहले मैं प्लास्टर कक्ष में था और उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों का समय 10 बजे से है। सबका समय 10 बजे से है, 12:20 हो गए हैं, कोई डॉक्टर उपस्थित है कोई नहीं है, यही हाल है।
इसके बाद मैं तुरंत जिलाधिकारी के पास जाने वाला हूँ। क्या क्या भैया क्या बोला है? बहुत काफ़ी उमस बहुत भीड़ है, बहुत हजारों लड़के वहाँ कोई नहीं है वहाँ पे। वहाँ हाँ कर्मचारी कम है, कर्मचारी कम है। लोगों को पता है कि बच्चे सफल हो गए, परीक्षार्थियों की भीड़ होगी, फिर भी कोई नहीं है। पर्ची 9 बजे की जमा हुई है, अभी पर्ची जाके 12:30 बजे मिली है, 12:20 मिली जी। 9 बजे की जमा है, अब ये कब आएंगे? समय है, एक मानक है। एक्सरे कराना है, एक्सरे के बाद फिर सीएमओ सर के यहाँ जाना है, फिर अभी फिजिशियन के यहाँ जाना है, 3-4 जगह रिपोर्ट लेना है। आगे मैं और आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप आगे आते हैं। हाँ देखिए, एक मेरे भैया हैं। जी भैया, COVID-19 में इतनी भीड़ है कि वहाँ पैर रखने की जगह तक नहीं है। भैया नाम क्या पड़ेगा? विनोद कुमार पटेल। कहाँ से आए? वाराणसी। वाराणसी से आजमगढ़ भदोही तक लोग आए हैं और यही स्थिति है। आगे चलते हैं हम लोग और कुछ देखते हैं, जिससे बढ़िया दृश्य आपको नहीं मिलेगा। डिजिटल एक्सरे कक्ष है, लोगों की भीड़ देखिए, भीड़ देखिए। शिक्षक भर्ती को लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, उसमें सफलता अर्जित कर लिए हैं, मगर लोग जानते थे लोगों। ये देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यही हाल है। डॉक्टर के पास मैं गया, एक्सरे वाले भाई साहब थे, वो बोल रहे हैं कि भैया सबका 10 बजे समय है, कोई समय पर नहीं है। आप किस लिए आए भैया? एक्सरे के लिए। एक्सरे के लिए? ये भी कहाँ से आए भैया? मोहंदाबाद। मोहंदाबाद से भैया आएँ। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब मैं आ गया हूँ, चलते चलते COVID-19 का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है और देख रहे हैं जिला अस्पताल में डॉक्टर तो नदारत हैं ही। अब यहाँ से पूछेंगे लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं लोग। बहुत बुरी स्थिति है, इतनी बड़ी भीड़, लाइन देखिए आप, लाइन देख सकते हैं आप, ये लाइन है। लोग 8 बजे से आए हैं। कहाँ से भैया आएँ आप? हम तो मोहम्मदाबाद से हैं। मोहम्मदाबाद से आए हैं। क्या क्या यहाँ पे किस लिए आए? वही शिक्षक भर्ती चले, जो कोविड शिक्षक भर्ती में सफल हो गए। ये COVID-19 की जांच कर रहे हैं, ये अभी देखिए, ये COVID-19 की जाँच हो रही है। जितने मेरे भाई लोग हैं इसी के लिए आए हैं, सब सफल हो गए, सब ने सफलता अर्जित कर ली है। आप कहाँ से हैं भैया? मऊ जिले से। मऊ जिले से। नाम क्या पड़ेगा आपका? मिंटू यादव जी। मिंटू यादव। मिंटू यादव जी, आपने क्वालिफाई कर लिया है शिक्षक? शिक्षक। आप कहाँ से हैं? मैं तो गाजीपुर से ही हूँ जी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? इतने समय से सिस्टम नहीं है कोई, मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं? नहीं हो सकता है, देखिए। और कल संडे है भैया। नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रमाकांत कुमार है सर। कहाँ से? मैं जखनिया से आया हूँ। जखनिया से। जिलाधिकारी जी सुनिए, योगी जी सुनिए, प्रधानमंत्री जी सुनिए, आप विकास की बात करते हैं, यहाँ पे बच्चे क्वालिफाई करने के बाद खड़े हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है आपके लिए। ये चैनल से बहुत सारे मेरे भाई हैं, मैं भी 4 घंटे से हूँ अस्पताल में गया, डॉक्टर साहब नहीं हैं, लोग बैठे हैं, मरीज रो रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं? गाजीपुर। कहाँ से? सर गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से हैं, यही आप लोग भी लाइन में लगे हैं? जी सर, बहुत। क्या होगा फिर शाम हो जाएगा फिर कोई जिम्मेदार नहीं है। वो आएंगे 2 बजे, उनकी टाइमिंग है 10 बजे, आएंगे 2 बजे, और ये भाई लोग खड़े हैं। और आगे चलते हैं, ये भीड़ है। लोगों को पता था कि बच्चे आने वाले हैं और इसी तरीके से भीड़ होगा, मगर बच्चों के लिए कोई सुविधा, आप देख रहे हैं वहाँ लाइन लगी है, वहाँ लाइन लगी, आप देखिए। यहाँ से लास्ट दूरी पे जो मेरे भाई हैं वो कैसे पहुँच पाएंगे, क्या उनका टेस्ट हो जाएगा? और भी मेरे भाई लोग हैं, लाइन में खड़े हैं, देखिए कितनी ठंडक है यहाँ पे। इन्हीं से पूछेंगे, भैया नाम क्या है आपका? हरिकेश चौहान सर। अच्छा, थोड़ा सा ये निकालिए, थोड़ा सा। गाजीपुर से सर। गाजीपुर से। शिक्षक वाला? जी सर, सहायक शिक्षक भर्ती। अभी आप लोग शिक्षक वाले? शिक्षक बनने आए। और कोई नहीं है, कोई पुलिस भी नहीं है यहाँ पे, किसी को बैठा सके या फिर कोई नाम वगैरह कोई व्यवस्था? हरके चौहान सर, हरके चौहान। और देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, अब इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। ये देख लिया आप, यहाँ से डॉक्टर साहब नदारत हैं। लोग, सरकार को पता है, सबको पता है कि बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं, परीक्षा फल निकलने के बाद बच्चे यहाँ पे आएंगे, यही हाल रहा। चिकित्सा अधिकारी के पास मैं गया, वो भी नहीं है, अब जिलाधिकारी के पास भी जाएंगे। सीएम योगी जी सुनिए, मोदी जी सुनिए, यही हाल है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे भैया कहाँ से आएँ आप? कहाँ से? गाजीपुर से ही। गाजीपुर से। ये भैया तो गाजीपुर से हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आजमगढ़ तक आए हैं। आप कहाँ से आए हैं चाचा जी? महाराजगंज से। महाराज। क्या क्या दिक्कत है? वो बच्चा का चेक कराओ करा। क्या
का चेक करावे के बाद? खुजली का। खुजली चेक करावे के बाद? खुजली मतलब चेक हो गए? अभी नहीं। अभी नहीं हुआ। ये थोड़ा सा जी निकालिए ना। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम बनारस से। भैया ये बनारस से आए हैं भैया, इसी के लिए आए हैं शिक्षक भर्ती वाला आपका? जी जी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। जांच कई जगह होनी चाहिए थी, सारा सिस्टम यहाँ पे फेल है। बहुत बड़ी बात की जांच कई जगह होनी चाहिए थी। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, यही स्थिति का हाल है, महिलाएं हैं, कोई कुछ नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है। इतने समय से लोग हैं, आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए, लोग करें तो क्या करें, देखिए लोग क्या करें, करें क्या लोग क्या सर, यहाँ इतना भीड़ देख रहे हैं आप? देखिए भीड़ के कहाँ से है भैया? यहीं से हूँ, गाजीपुर से हूँ। देखिए यहाँ पे लड़कियों के लिए कोई, इतने समय से बच्चियाँ खड़ी हैं, मेरे चैनल से आप देख रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का सफ़र करके। कहाँ से हैं आप, कहाँ से आई हैं? जहूराबाद। जहूराबाद, जहूराबाद से आई। अच्छा, नाम क्या पड़ेगा आपका? यूनिता कुशवाहा। यूनिता जी हैं, कितने समय से खड़ी हैं आप, कब से घर से आई हैं? 11 बजे से आप आई हैं।